गौरी यहाँ सुनाई नहीं दिया तुम्हें? हम कह रहे हैं यहाँ आओ। जी एक बात बताओ, रात को आजी के कमरे में आने से पहले तुम कमरे से बाहर गई थी? नहीं नहीं अम्मा जी। झूठ, हमने देखा था कि तुम्हारी आजी कमरे में थी, और जब हम रात को अपने कमरे में सोने के लिए गए और मुन्ना को हमने तखत पर सोने के लिए भेजा और सुबह हमने जब उठकर देखा तो मुन्ना तुम्हारे साथ इस कमरे में था, तुम्हारे साथ सो रहा था, और जब हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो कुंडी अंदर से लगी थी, और जब हम माताजी को बुलाने के लिए गए और वापस लौटे तो देखा दरवाजा खुला था और मुन्ना छज्जे से आया। और आजी जी कमरे में से कैसे आई? चुप क्यों हो गौरी, कुछ कहती क्यों नहीं हो? देखो गौरी, हम पागल हो जाएंगे। तुम यही चाहती हो कि हम पागल हो जाएं? माता जी हमें पागल खाने भिजवा दे और तुम और तुम्हारी आजी जी मिलकर हमारी गृहस्थी पे कब्जा कर ले, यही चाहती हो तुम? नहीं 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 अम्मा जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो बताओ ना, बताओ सच क्या है। गौरी हमारा सर फट जाएगा, भगवान के लिए हम पर रहम करो गौरी, हमें सच बताओ क्या है। हम तुम्हारी सास है ना, तुम्हारी माँ की जगह है, तुम अपनी माँ से झूठ कैसे बोल सकती हो गौरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ना तुम हमें अपनी सास समझती हो ना माँ? हाँ ऐसा ही है, वरना तुम हमसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाती। हमारी ऐसी हालत देखकर हमसे झूठ नहीं बोलती गौरी तुम। गलती हमारी है कि हम खुद को तुम्हारी माँ की जगह समझ रहे हैं। भला आज के जमाने में भी कोई सास माँ हो सकती है क्या? नहीं नहीं अम्मा जी, आप मेरी माँ हो और मैं सच में आपको मेरी आई की जगह मानती हूँ। तो हमें सच सच बताओ ना गौरी। देखो गौरी, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। देखो गौरी बेटा, तुमने हमें अपनी आई जैसा कहा है ना, तो तुम्हारी आई बनकर ही हम तुम्हें एक सलाह देना चाहते हैं बेटा। ऐसे समय झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। नहीं मतलब बच्चे पे बुरे संस्कार पड़ते हैं। क्या तुम अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाना चाहती हो? नहीं। तो बताओ गौरी बेटा, सच क्या है? अम्मा जी वो आप जब सो रही थी तब आखिर मुंबई वालों ने अपना रंग दिखाई दिया। वैसे भी तुम लोग भरोसे के लायक तो हो ही नहीं। हम तो तुम्हारी निशा वैनी को देखते ही समझ गए थे कि तुम्हारे यहाँ की बहुएं कैसी होती हैं। अब तुम्हारा इरादा क्या है? कहीं निशा वैनी की तरह तुम भी तो हमें सड़क पर नहीं लाना चाहती हो? बाबांनी गौरीसाठी गिफ्ट आणलंय, कुरिअर करायचंय, करशील ना? बाबा खुश आहेत ना? नुसतं हूं हूं काय करतोस? नीट बोल ना माझ्याशी। आता बाबा खुश आहे तर तुझ्याशी नीट बोलू का? का मी कोणीच नाहीये का तुझी? बोल ना नची, मला काहीच किंमत नाहीये का घरात? कोणी कसंही बोलायचं, कसंही वागायचं माझ्याशी। मगाशी बोलता बोलता फक्त बाबांना बोलले की गिफ्ट पाठवायची घाई तर नाही ना करतो, अजून 3 महिने पूर्ण नाही झालेत। किती वैतागले माझ्यावर। मी 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 फक्त काळजीने बोलले रे, माझ्यावरच केक कसली। गौरीची बातमी काय आली आहे म्हणा, माझं दुःख सगळेच जण विसरले, तिचंच कौतुक चाललंय। माझ्या बाबतीत जे काही झालं त्याचं सोल सुतक नाहीच आहे कोणाला। बाकीचे जाऊ देत, निदान तुला तरी। गप, एकदम गप्प बस। नाटकी एक नंबरची। अगं जनाची नाही किमान मनाची तरी लाज बाळग। काही दिवसांपूर्वी जे काय घडलं ते तुझ्यासाठी त्रासदायक होतं, तुझ्यासाठी नाही आमच्यासाठी होतं, आई बाबांसाठी होतं। तू खरी कशी आहेस आई बाबांना कळू नये ना म्हणून मी गप्प बसलोय, हे माझ्यासाठी किती त्रासदायक समजतंय का तुला? गौरीशी तुलना करते, बाबांनी गौरीसाठी गिफ्ट आणलं म्हणून त्रास होतोय ना तुला? नाही नाही नची, तसं नाहीये। गप ग, गौरीशी तुलना करतेस? लायकी तरी आहे का तुझी? असं का बोलतोस नची? आधीच मी अपसेट आहे आणि त्यात उपट जरासं घालून पाडून बोललास तर? कारण तुझी लायकीच ती आहे। यापुढे समजा गौरीचं नाव घेतलंस किंवा तिच्याशी तुलना केलीस ना तर याद राख, नची बहिणीचा बराच पुळका आलाय ना तुला। जर मला असंच वागवणार असशील आणि या घरात सुखाने जगू देणार नसशील ना तर तुझ्या बहिणीला सुद्धा मी सुखाने जगू नाही देणार। ओ जौनपुर वाली, अरे सीता मऊ वाली राम के साथ बाहर गई है तो आज हमें चाय नहीं मिलेगी का? माफ कीजिए माताजी, वो दिन भर सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है ना, इसलिए जरा। अरे काहे झूठ बोल रही हो? हाँ, का हम तुम्हें जानते नहीं? देख रहे हैं कल से बोराई हुई सी घूम रही हो, कहती कुछ हो देखती कुछ हो। नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है। नहीं क्या है, दिन रात हम गौरी के भले के बारे में सोचते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा परेशान है माता जी। शायद इसीलिए कुछ शायद कुछ गलत दिखाई दे जाता है। अरे तो अपना मगज शांत रखा करो, हैं? तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो सब संभालना पड़ता है। जी माताजी। नहीं माताजी, हम क्या कह रहे हैं कि शिव और गौरी हमारी सास संभाल से खुश नहीं है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि हम उन्हें अलग रख के ठीक नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जौनपुर वाले, तुम जो कर रही हो वो ठीक ही है। अरे हम भी जानते हैं शुरुआत के महीनों में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, इसलिए मुन्ना और मुंबई वाली का अलग सोना ही ठीक है। बस माताजी, आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। यही सोच के हमने भी उन्हें समझाया, लेकिन वो तो हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है माताजी। बस यही सोच सोच के डर के मारे हमें बुरे बुरे ख्याल आते रहते माताजी, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। माताजी हम क्या कह रहे हैं कि आप कृपा करके मुन्ना से बात कीजिए ना, मतलब आपकी बात वो नहीं टालेगा। हम? हाँ नहीं, मतलब आप तो खुलेआम पड़पोता मांगती रहती हैं, तो क्या ये बात नहीं कर सकती? हाँ हाँ जरूर करेंगे, आने दो मुन्ना, हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। जी अरे मुन्ना, गौरी तुम लोग सही समय पर आए हो। बैठो, हम तुम लोग के लिए चाय लेकर आते हैं। वैसे भी माता जी को तुम लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ, हम अभी आते हैं। बापरे, अम्माजींनी दादीजींना माझ्याबद्दल काही सांगितलं तर नाही ना? आइए गौरी जी, बैठिए। मुंबई वाले, तुम यहाँ आकर बैठो। हाँ, यहाँ आज बैठ जाओ। हाँ दादी जी, बताइए। हाँ, वो हमें तुमसे कुछ बात कहनी है, लेकिन क्या बात कहनी है कुछ याद नहीं आ रहा। सोचने दो जरा। वो क्या आपको पानी चाहिए? हाँ? अरे नहीं नहीं, मौसम बदल रहा ना, थोड़ा खांसी हो। तो दादी जी बताइए ना, क्या बात है? हाँ, वो हम ये कहने वाले थे कि वो का है कि क्या कह रहे थे हम? हाँ, वो हम कह रहे थे, हाँ हम कह रहे थे कि जौनपुर वाली को तुमसे कुछ कहना है। हाँ? जौनपुर वाली, हाँ? कहो ना, क्या कहना चाहती? कहो कहो। हाँ, और मुन्ना, ये जौनपुर वाली जो कुछ भी कहना चाहती है ना, उसमें हमारी मर्जी भी शामिल है। बोलो बोलो जौनपुर वाली, मुंबई वाली, बैठ जाओ। बैठो बैठो बैठो। अरे बोलो भी, हैं? बोलो, क्या कहना चाहती हो? नहीं मुन्ना, हम कहना चाहते हैं कि मतलब गौरी की इस समय जो हालत है, तुम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। लेकिन क्यों? समझा करो मुन्ना। नहीं मतलब बच्चे पे गलत संस्कार पड़ते हैं। माँ बाप के प्यार से बच्चे पर कभी गलत संस्कार नहीं पड़ते अम्मा। दादी, अम्मा को कुछ समझा नहीं है। हाँ, मी समझाता है तुका। हाँ, तू बस इथे। हाँ, बसते वो काय माहिती हा, पूर्वीच्या काळी ना, म्हणजे अपने जमाने में, हाँ, इसी समय लोग नवरा बायको को वेगळा वेगळा ठेवत होते। आता काय झाला, काळ बदलला ना, म्हणजे जमाना बदल गया। अभी नए आए ना लोग, तो वो तो एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। हाँ 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 हाँ, इसलिए बच्चा उनके साथ भी प्रेम से रहता है। अजी बिल्कुल सही कह रही। मुन्ना, तुम इनकी पैरवी ना ही करो तो बेहतर रहेगा। अम्मा बरोबर बोलता। शिव तू थाम जरा, मी सांगते। दादी, तुमने तो अभिमन्यूची गोष्ट वाचली काय गो? हाँ, तो माँ के गर्भ में रहता है और वो चक्रव्यूह भेदने को सीखता है। वातली गोष्ट थी। हाँ हाँ, पढ़ी है हमने। मैं क्या सांगती है कि गर्भ संस्कार जो होता है ना, वो खाली माँ नहीं करती है, बाप पण करतो। हल्ला। हाँ, ये बात तो है। तो मी काय म्हणता कि या दोघांका येगळे येगळे करण्यापेक्षा त्यांना जबाबदारी द्या, म्हणजे काय दोघा एकत्र राहतील ना, चांगली चांगली पुस्तक वाचतील, आणि मग उसके जो संस्कार है ना, अच्छे संस्कार वो बच्चे पे आएंगे। वाह, 16 आने सही बात कही है आजी जी आपने। लेकिन माता जी, बस जौनपुर वाली, अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। और आजी जी ने जो भी हमें समझाया है उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुन्ना और मुंबई वाले एक साथ रहेंगे। लेकिन माता जी, बस जौनपुर वाली, ये दोनों अब बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं, अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। वो बरोबर बोललास दादी, ही पोरांना दोघी समजूतदार आहेत। आजी जी, आप ये हमारे साथ बैठकर भजन गाएंगी, हाँ? और तुम तो एक काम करो, बढ़िया बारिश का मौसम है तो वो पकौड़े वाली कढ़ी बनाओ और उसके साथ वो प्याज और जीरे से छोंके हुए चावल, और हाँ उसके साथ वो सलाद, अचार, पापड़, चटनी, ये सब की भी तैयारी करो। जाओ। गौरी जी, हम बहुत खुश हैं। हम फाइनली साथ में, गौरी जी। अच्छा ठीक है। क्यों हटो। अरे ये कैसे आया यहाँ पे? हमारे पोस्टर्स कहाँ हैं? वहां पर भी पोस्टर है, किसने लगाई ये? अरे ते अम्माजींनी लावलेत। आपने मना नहीं किया उन्हें? हो, मी सांगितलं होतं त्यांना, पण त्यांनी ऐकलंच नाही माझं। अम्मा मीना बहुत जिद्दी है, अपनी जिद के आगे ना तो उन्हें हमारा प्यार नजर आता है ना हमारे इमोशंस। तू जाऊ दे ना, शांत हो। अपन क्या करू शकतो? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी बताते हैं आपको। म्हणजे शिवरे काय कर, हळू तू हटो। काय यात? रुको तो सही। ये सारे पोस्टर? हाँ गौरी जी, हमने तो सोचा था कि हर महीने के हिसाब से नए नए पोस्टर लगाएंगे बेबी के, पर कोई बात नहीं, अभी लगा देते नया पोस्टर। ये पकड़ो एक बार। हळू शिव। शिव नको ते काढू नको। नाही, अरे अम्माजींना खूप वाईट वाटेल। म्हणजे अपने बाळावर त्यांचा ही हक्क है ना? हाँ, उनका हक है, पर हमारा भी तो हक है ना। हमारे हक की तो परवाह है नहीं उन्हें। तू शांत हो ना, आपण भांडून काही फायदा आहे का? त्यापेक्षा आपण काहीतरी मार्ग काढू ना, म्हणजे अम्माजींनाही वाईट वाटणार नाही आणि पोस्टरही लावले जातील। तो आप एक काम करो, आप मार्ग काढो और हमें बताओ, ठीक है? तू ही विचार कर ना, आप सोचो। आयडिया, आपण एका भिंतीवर अम्माजींनी हे जे पोस्टर लावलेत ना ते लावूयात, आणि एका भिंतीवर तू आणलेले हे बाळाचे पोस्टर लावूयात। गौरी जी, कमाल आइडिया है। तो एक काम करते हैं, उस दीवार पे हमारे पोस्टर्स और इस दीवार पे अम्मा के पोस्टर्स, ठीक है? ठीक है, चलो काम शुरू करो। ये दोनों अम्मा जी, वो यहाँ हम पोते के संस्कार के लिए मरे जा रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, तुम्हारी देखभाल में लगे हैं, और अभी भी तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बना के लाए। अब तुम क्या कर रही हो? इस कमरे से हमारी हर निशानी मिटा रही हो। बेटा तो हमसे पहले ही छीन चुकी हो, अब क्या पोते की खुशी भी छीनने का इरादा है? अम्मा जी, अम्मा जी सुनिए, अभी मत जाइए, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, बात बिगड़ जाएगी। अरे पंडित, हम आपसे कह रहे हैं ना, अभी आप जो कुछ भी समझाओगी ना वो अम्मा नहीं समझने वाली, हम सब संभाल लेंगे। चलिए अभी काम करते हैं अपना, ठीक है? गौरी जी ये पोस्टर देखिए। क्यूट है ना? हम्म? हाँ क्यूट। हाँ?